हे जगतर नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिलीगिरी ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से अपने घर में स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। हम भी हमारे घर में स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो पर। अभी ब्लॉग को तो मैं स्टार्ट कर दी हूँ और मैं क्या बोलूँ, आप लोगों को पसंद आए तो देख सकते हो और मैं क्या बोल सकती हूँ। सबसे पहले होता है पेट पूजा के लिए कुछ इंतजाम, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। के चावल चढ़ा दी हूँ और आगे क्या है आपको पता चल जाएगा मैं क्या प्रस्तुत कर क्या काम कर रही हूँ। देख लीजिए, ये ना एक चेयर पे खड़ा होकर एक डंडा में मैं सहजन की सहजन छुई हमारा कहते हैं सहजन को, उसका जो फल होता है उसको तो निकालने के लिए मैं ट्राई करी तो नहीं हुआ था। मैं लंबा सा स्टूल था हमारे घर में तो वही स्टूल में क्या करना है वही स्टूल को लेकर आई और उसके ऊपर खड़ा होकर मैं सहजन छुई को निकाल रही थी सहजन को, तो फिर भी नहीं हुआ। इतना लंबा डंडा था जो हमारा बांस की डंडा था, फिर भी नहीं हो रहा था। तो आगे देखिए कैसा मैं क्या करती हूँ। तुम और सच में बहुत ही आज टेस्टी लग रहा था। ये ना घर का है ना, देखिए मैं गज के ऊपर सहजन गज के ऊपर ही चढ़ गई मैं। क्या बात है, मैं गज में भी चढ़ गई हूँ। चढ़कर ही जो हमारा सहजन था ना उसकी सहजन को निकाली और किसको किसी को भी मैं नहीं बुला पाई। कोई भी तो नहीं, आजकल तो सब काम में इधर उधर चले जाते हैं तो क्या करूं। खाने को मन कर रहा है मतलब तो खाएंगे, और ये ज़्यादा दिन रह जाएगा ना ये ना मतलब तो, क्या बोलते हैं पक जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको टेस्टी नहीं लगेगा। इसीलिए मैं सोची चलो स्टूल के ऊपर खड़ा होकर मैं निकालूंगी, नहीं हुआ तो सीधे गज जो हमारा सहजन का पेड़ है ना उसके ऊपर ही चढ़ गई, चढ़ के ही उसको निकाल डाली। और ये सब मैं खुद ही कर लिया ऊपर, और मैं क्या बोलूँ। ये देखिए कितना मिला, मैं आपको दिखाती हूँ। ये सहजन की जो उसका फूल भी निकल रहा है और जो फल भी हुआ है तो देख लीजिए कितना हो लाई। देख लीजिए इतना जो सहजन लेकर आई हूँ सहजन छुई तो इतना सहजन मिला और बहुत ही टेस्टी लग रहा था। ये आलू बैंगन मिलाकर ही मैं आज ये सब सहजन छुई की सब्जी बनाऊंगी टमाटर डालकर। मतलब हमारे संबलपुर साइड के लैंग्वेज में पातल घंटा डाल के, पातल घंटा की मसाले डाल के ये सब्जी में बनाई थी आज। क्या हुआ कि बेटी तो ऐसे मिक्स वाला सब्जी उसको पसंद नहीं है तो मुझे बहुत पसंद है जो सहजन को चबा चबा के खाओ, बहुत मुझे बहुत पसंद है। तो मसाला जब भून गया ना तो उसके ऊपर मैं हमारा मेरे को आलू बैंगन उसको मैं डाल दी हूँ। तो मैं तो आपको बताई थी टमाटर को मैं पीस लिया था, पीस के उसको पहले भून लिया मसाले के साथ। उसके बाद सारे ऐसे तो होता है आपको तो पता है, जो हम लेडीज को तो बहुत ज़्यादा से पता है। उसके बाद बाहर में क्या होता है ना, अभी सुबह का टाइम क्या ठंड लगता है तो घर के अंदर रह रहे के मुझे ठंड लग रहा था तो बाहर आकर खड़ा हुई और कपड़े को भी सुखा रही थी और धूप भी लग जाएगा तो अच्छा लगेगा। और ऐसा हमारा काम होता है, हम लेडीज को तो ऐसा होता है कौन सी टाइम क्या करेंगे इधर उधर का हमको दिखाई देता है। जब तक मेरा सब्जी बन रहा था तब तक आपको मैं ये कपड़े वगैरह में सुखा रही थी और उसके बाद ही सब मैं इस पेटीकोट को मैं बार बार पहनती हूँ।
इतना कंजूस है हूँ, देखिए कितना कंजूस हूँ मैं, तो इसको मैं बार बार पहनती हूँ। बताती हूँ मैं आपको क्यों, क्योंकि ये जो पेटीकोट के नीचे ना, ये देखिए कैसे धागा जैसा निकल रहा है, ये मतलब हाथ पैर में लगेगा तो, पैर में लगेगा तो हम उसके ऊपर पैर लग जाएगा और गिर जाएंगे, तो इसको मैं रीयूज करूँगी, कोई बात मैं आपने क्या करूँगी ना, इस पेटीकोट को नीचे मैं कट करूँगी और उसको रीयूज करूँगी। जब ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा ना इसीलिए, सॉरी ये नहीं होगा, इसे मुझे कट करना पड़ेगा, छोटा हो जाएगा फिर भी चलेगा, लेकिन गिरना पड़ता है, कितना गिरोगे, तो इसको मैं कटिंग कर देती हूँ। और अभी मुझे तो थोड़ा बहुत सिले आता है, थोड़ा बहुत क्या, बहुत ही सिले आ रहा है मुझे, इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। ये मैं इजीली नहीं फेंकती हूँ कोई चीज, मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसको मैं रीयूज करूँगी, उसके बाद जो बिल्कुल भी यूज नहीं होगा ना तो मैं उसको फेंकूँगी। वैसे भी डेली यूज करने के लिए फेंकना मुझे पसंद नहीं, जो डेली यूज वाला। और डेली यूज करोगे या पहनोगे या करोगे ना, उसको जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा लगता है, जितना पुराना उतना अच्छा लगता है। सो मैं उसको नहीं फेंकूंगी, उसको तो नीचे से फोल्ड कर दूंगी, फोल्ड करके उसको मेरा फिर से रीयूज हो जाएगा मेरा। ला 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 ला। उसको मैं नीचे से ही थोड़ा सा फोल्ड करके उसको सिलाई कर दूंगी, क्या है, ठीक है ना जी, ठीक है ना फ्रेंड्स लोग। मेरा ये तरीका आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइए। तो जो क्या हुआ ना, कोई आया तो मैं सिलाई नहीं कर पाई, उसको कट करके रख दी हूँ, कल करूँगी, आज नहीं कर पाई, तो उसके बाद मैं लंच करके सो गई। और इवनिंग में ये हमारा बागान की वाटरिंग हो रहा था, तो पाइप को सब मैं लगा रही थी, वो जो हमारा जॉइंटर में ही पाइप को लगा रही थी। और ये टाइम था, उस टाइम 4:30 आसपास था, अभी तो गर्मी बहुत टाइम तक रहता है ना, और पानी नहीं देंगे तो पौधा वगैरह सब मुरझा जाएगा या मर भी जाएगा, मुरझा तो आजकल तो इस साल तो इतना तेज़ धूप हो रहा है और ऊपर से बारिश तो कोई दिनों से नहीं हुआ है, जब से बारिश बंद हुआ तब से कभी भी नहीं हो रहा है। बारिश आने वाला था, मतलब आने वाला है कहते हैं लोग, लेकिन नहीं आ रहा है, इसी वजह से पानी बहुत देना पड़ रहा है। और थोड़ा थोड़ा बैंगन की पौधे में अभी फल भी निकला है, फूल हुआ था, छोटा छोटा बैंगन की पौधा हुआ है और फूल भी निकला है अभी। और प्याज लहसुन के ऊपर तो पानी देना पड़ता है, उसको तो बच्चा जैसे सब ऐसे केयर करना पड़ेगा, तभी जाकर जो भी चीज़ है वो होगा। तो मेरा इवनिंग का टाइम तो शायद पानी में ही निकल जाता है, मैं चाय पी लेती हूँ, चाय पीने के बाद पानी, ऐसा मेरा होता है। तो आज का ब्लॉग इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।